जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरा चार्ज जो पूरा मामा जी के यहाँ मिला, मामा जी की थोड़ी शॉप थी, कभी कभी मैं भी बैठता था वहां पर, कोई वायर लड़ाई रह जाए तो उसको तो ठीक है, मैं मिस्टेक के नाम लिख लेता था, लेकिन अगर भाई मिस्टेक कोई गलत से कर ले आई और उधारी लेके चली भी गई तो मैं उसका चेहरा तक नहीं दिखता, और कई बार इससे मेरे को डांट नहीं पड़ी बहुत। बट अक्टूबर 2003 में भी लगभग राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मुंबई में, एमपी से 9 पॉइंट थे उसमें, जिसमें 2 लोगों को बोलने का मिला, एक महीने था मुझे लगभग 8 से 10 बुक्स मैं लिख रहा हूँ, एक मैथमेटिक्स में है और एक इंग्लिश में है, जो लगभग आप लोगों को हमेशा है स्कूल में। इंग्लिश में अपन इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारी ईयर्स पढ़ते हैं अपन और उसको अपन चेंज नहीं करना चाहते, एक कम्फर्ट जोन में चेंज कैसे करेंगे, हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, वह खाना खा चुका होगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये फ्यूचर टेंस है, वह खाना खा चुका होगा, वह गाना गाया होगा, गा रहा होगा, बॉडी टू बी डिड, वह गाना गा रहा होगा, डिड टेंस है, कहीं दूसरी जगह गा रहा है उसको अपन इमेजिन कर रहे हैं, वह गाना गा रहा होगा, पर उसको अपन फ्यूचर में पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसी ने जो पहली ग्रामर बनाया होगा उसने रेफरेंस में क्या लिया, लास्ट में गा है, अगर गा की ये है तो वो फ्यूचर में होगा, बट जल्दी क्या है, यदि नींद में जाए रॉन्ग, अपन रॉन्ग पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में अपन जीरो को का एच कॉन्स्टेंट लेते हैं, बट दैट इज वेरिएबल, और इसको मैंने प्रैक्टिकली प्रूव किया, 7 पेज का एक्सपेरिमेंट है, जीरो थोड़ा वेरिएबल उसको आप जो बोले वो मैं बना दूंगा, और उसको मैथमेटिकल से हर फार्मूले को प्रूव करता है, और मोटिवेशन की बुक अपने लिख रहे हैं, पोएम छोटी मोटी लिख रहे हैं, एक छोटी सी पोएम आप लोगों के सामने इजाजत हो तो, ये मोटिवेशन की है, प्रत्येक ने मोटिवेशन की पॉइंट लिखता हूँ, वैसे सभी रसों में लिखता हूँ, लाज की भी है, बट मोटिवेशन मेरा इंटर टॉपिक लिखता है, कर्तव्य पथ पर बन चले फिर लक्ष्य छोटा क्यों करे, कर्तव्य पथ पर बन चले फिर लक्ष्य छोटा क्यों करे, जीवन में अगर कुछ चाहिए बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते, है भूत में जो हो गया मुड़कर कभी देखो नहीं, भूत में जो हो गया मुड़कर कभी देखो नहीं, चलते चलो तुम निक नवल आगे की ही सोचो से, कांटे मिलेंगे राह में, कांटे मिलेंगे राह में, मुश्किल रहेगी शामिल, तुम डर के पीछे मत हटो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। यो संघर्ष जीवन को कहे समृद्ध किसका नाम है, आप लोग क्वेश्चन है, संघर्ष जीवन को कहे समृद्ध किसका नाम है, समझो महत्व शरीर का इन तन कर्तव्य प्रधान, कहते हैं जीवन में लगन, कहते हैं जीवन में लगन, यदि लग गई तो समझ लो सफलता निश्चय ही है, मुश्किल न कोई काम है, क्यों, क्योंकि कर्म दिशा बल मिले क्या सुबह है, क्या बात, गुड। जीवन कैसे भी चाहिए तो डट के बाद हम उसे लड़ो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, तन के अंदर ही जीवा जीवन का सच्चा सार है, इस तन के अंदर ही जीवा जीवन का सच्चा सार है, जिसने भी समझा है अमर बाकी जहां बेकार है, जीवन का संगम नाम है, जीवन का संगम नाम है, पाया नहीं खोया नहीं, जीवन का संगम नाम है, पाया नहीं खोया नहीं, वह था तुम्हारा जो मिला, जो खो गया वह था नहीं, चाहे हार हो या जीत हो, चाहे हार हो या जीत हो, कितने खराब है,
मेहनत का फल स्वीकार कर आगे सफल के तुम चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो अंधकार हो बाधाओं का संसार हो आधी होया इंसान फिर चिराग के गल बनी चिराग जलते चलो मुश्किल से तुम लड़ते चलो यदि बुझ गए तो हो अमर सब तक क्या काम है और जलते रहे तो समझ लो सूरज किसी का नाम है बढ़ते चलो बढ़ते चलो आई थिंक यहाँ सभी सिंगिस्टर वर्ष बैठे हैं पर मेरी जिंदगी में एक ईश्वर की परिभाषा सीख है मैं युवा उसी को मानता हूँ जो क्रिएटिव है हमेशा बदलाव चाहता अपनी लाइफ में क्योंकि आज मैं जो हूँ कल नहीं मीन देर नो लिमिट ऑफ सक्सेस आप किसी दूसरे से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आप कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकते अपने आप से कंपेयर कीजिए कंपेयर विद योर सेल्फ इसे गोल कर लीजिए इसे गोल हमेशा अपने रिकॉर्ड ब्रेक करते गए माइकल फिलिप्स ने इतने रिकॉर्ड बनाए कि रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड उनके नाम पर हो गया अपने इंडिया को विकास नहीं करता अपने इंडिया के जितने टोटल मेडल्स हैं माइकल फिलिप्स को उन्हें अकेले गोल्ड मेडल है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और युवा क्या हर एक परिस्थिति को लोनर अपने अनुकूल बनाता है जबकि अनुसार न बदले जो बदलाव जगत में लाता है पर बाधाओं के बादल में बनकर के जो सूर्य चमकता है और इतना ही नहीं चाल की चाल बदल दो जो युवा वही कहलाता है दोस्तों अंतिम में एक छोटी शायरी के साथ आप लोग करूंगा हम लोग के अंदर यंगस्टर के फेलर का सबसे बड़ा रीजन है सबर की कमी हम आज जो भी करते हैं तुरंत उसका स्ट्रेंथ रिजल्ट चाहते हैं हमने याद किया तुरंत जल्द बट नहीं सबसे पॉसिबल नहीं है कभी भी हो ही नहीं सकता क्योंकि वृक्ष लगाते ही बोलो फल किसको मिल जाता है पुष्प सींचते ही बोलो गुलशन कब मिल जाता है मधुमक्खी कब भर लेती है एक दिन में मधु के छत्ते को बोलो 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 ना तो बोलो चलते ही कौन जहां में मंदिर को पा जाता है जय हिंद जय भारत।